Hello, Namaskar, and a very good afternoon to all the viewers watching NCRT's live interactive session. This is Simran Singh, and you have all connected with us through eVidya channel number 9. Besides this, viewers, you know that there are so many different mediums through which you all can connect with us, and you can also participate in our live sessions by raising your queries, your questions in the comment section of our YouTube channel, that is NCRT Official. और दर्शकों, अगले आधे घंटे के लिए लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का एक सत्र, और आज का हमारा विषय रहने वाला है पॉलिनोमियल्स पार्ट 1. और इसी विषय पर और जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान भी उपस्थित हैं. उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, पर उससे पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए. As you all know that we are proud of the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or should I say, the world is one family. तो दर्शकों, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हमारी मेहमान मिसेस बीना प्रकाश मैम से. नमस्कार मैम. नमस्ते. गुड इवनिंग टू ऑल माय लर्नर्स. गुड इवनिंग मैम. वी वेलकम यू इन आवर कॉन्वर्सेशन. मैम इज सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स, करंटली सर्विंग एट कैंपियन स्कूल फ्रॉम भोपाल. Viewers, in this live session, if you have any of the queries, then feel free to connect with us through our contact number that's flashing on your screens. जैसा कि आप जानते हैं, हमारा contact number है 8800440559, और 9th standard के हमारे सभी students के लिए एक आधिकारिक mail ID आपकी screen पर dth.class9@cret.nic.in. तो चलिए सीधा मैम की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि आज पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 इस सबक के अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं. बच्चों, आज जो करेंगे हम वो चैप्टर 2 एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स अगर वर्ड को अगर हम डिसेक्ट करेंगे, दैट इज ब्रेक करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, तो उसमें ऐसा दिखेगा अपने को पॉली और उसके बाद नॉमियल्स. ठीक है. अब पॉली का मीनिंग क्या है? पॉली मतलब मेनी होता है, नॉमियल्स मतलब टर्म्स में आता है. तो इसको इन जनरल, इन शॉर्ट एक चीज बता रही, एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन, ये एक रिप्रेजेंटेशन है. मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, ए नॉट इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे अननोन्स चाहिए था, तो मैंने ऐसे ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, और इस तरह से ये जाते जाते ए एन एक्स टू द इंडेक्स एन है. सो एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर ए एन दैट इज एक्स टू द इंडेक्स एन है, इंडेक्स ऑफ दिस टर्म इज एन, इसका ये जो टर्म ए एन है वो जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब वॉट आर दीज क्वान्टिटीज, ये सब आपको दिख रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव px, px मतलब इट्स अ टर्म इन x, ये x इज अ वेरिंग क्वांटिटी, वेरी करता है, और ये a नॉट a वन a टू क्या है यहाँ लिखा, जैसे मैंने दे आर ऑल रियल नंबर्स, आप इसमें कुछ भी रियल नंबर्स यूज कर सकते हैं. तो ये एक्सप्रेशन जो बनता है विद द हेल्प ऑफ अननोन वेरिएबल्स, दैट इज x विद डिफरेंट इंडाइसेस, या तो जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, अप टू n, एंड उसके साथ जो भी चीज अटैच्ड है, दैट्स नोन एज द कोएफिशिएंट्स. ये कर्सर दिख रहा है आपको, द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स. ए नॉट, ए नॉट मीन्स पहला वाला टर्म, दैट इज दिस क्वांटिटी. ए नॉट के सामने साथ कोई एक्स नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली एक्स है वहां पे, बट इट इज टू द इंडेक्स जीरो. बच्चों, आपको कोई याद होगा, एनी नंबर अदर देन जीरो, अगर उसका इंडेक्स जीरो है, इसका वैल्यू वन है. तो यहाँ जो वन था उसको मैंने x टू द इंडेक्स जीरो लिखा. तो अब आप देखिए, हर टर्म में आपको x दिखेगा. सो x इज द वेरिंग क्वांटिटी दैट यू हैव इन दिस एक्सप्रेशन, इसलिए पी एक्स दैट इज दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ x, और ये जो a नॉट a वन ये सब है उसके कोएफिशिएंट्स. तो n एक वी हैव वन कंडीशन, दैट इज n जो है एक होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर का मीनिंग क्या है कि n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज का ध्यान रखना है. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, एक्स क्यूब माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब दैट इज इसका इंडेक्स 3 है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ कोई x नहीं है, तो दैट इज हम इसको लिख सकते हैं x टू द इंडेक्स 0. अब ये 1 अपॉन x एक्चुअली 1 अपॉन x बच्चों याद है क्या, 1 अपॉन a कोई भी एक नंबर है, दिस इज नोन एक्चुअली द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स इट इज इसका इंडेक्स हो जाता है माइनस वन, तो ये x का इंडेक्स हो जाएगा माइनस वन. सो अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर पूरा वापस देखेंगे तो x का इंडेक्स 3 है, फाइन, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द इंडेक्स 0, बट ये जो आखिरी वाला टर्म है ये टर्म में x का इंडेक्स माइनस n है, माइनस n इज नॉट अ होल नंबर. तो ये क्या चीज हुआ, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं, हालांकि लिखा है हमने ऐसे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिनोमियल. वैसे आप दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, क्यू एक्स कोई भी नाम सकते, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, उसके आगे ब्रैकेट में एक्स लिखना इज द रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं एक रिप्रेजेंटेशन. किस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं, नेमिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, हर बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हम इसको इस तरह से ही लिखा जाए. नाउ दिस इज रूट एक्स, रूट एक्स मीन्स दिस विल हैव एक्स टू द इंडेक्स हाफ, रूट एक्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इसका इंडेक्स हाफ, माइनस 3 अपॉन 4 एक्स टू द इंडेक्स 3. अब इस एक्सप्रेशन का भी देखिए, हाफ ये हाफ है, हाफ फिर से होल नंबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. अब इसमें देखिए ये वाला थर्ड वाला एक्सप्रेशन भी देखिए, एक्स एक्स माइनस, यहां दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स के बीच का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब इसका साइन है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया. अब आप देखो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन, दैट इज दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसमें कुछ दिख रहे हैं आपको एक्स, कोई और अल्फाबेट भी दिख रहा है. लाइकवाइज दूसरे एक्सप्रेशन में भी एक्स भी दिख रहा है, कुछ अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं. तो ये क्या चीज है एक्चुअली, तो एक्स इज द ओनली वेरिएबल, वेन हम पी एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब सारा एक्स जो दिखेगा वो हमारा वेरिएबल है, उसके अलावा आपको जो भी दिखेगा वो सारे कॉन्स्टेंट्स है. लाइक यहाँ पे माइनस के, के अननोन है यहाँ पे, बट के इज अ कॉन्स्टेंट. जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ए एक न्यू वैल्यू है, कुछ वैल्यू है विच हैज बीन, उसका कॉमन वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वेरी कर सकता है, बट इट इज अननोन हियर, सो वी हैव पुट ए, तो ए एक्स स्क्वायर. तो ये ए जो है ये कॉन्स्टेंट है, एक्स के अलावा सारा वेरिएबल क्वांटिटी. सो नाउ ये फॉर्मेट जो है ये अपना पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट है इसके फॉर्म में है क्या, चेक कर लेते हैं. वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में जो साइन है मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है. और ये मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा है बच्चों, याद करके देखो, वी हैव द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय ax स्क्वायर, दैट गिव्स अस a x क्यूब. फिर x को एवरी टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट. तो अब वैसे x को अब वापस हम x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई x बाय 2 व्हाट डू वी गेट, ये x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एज प्लस 2x. अब जिस तरह से मैंने x का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया वैसे हम सेकेंड टर्म का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सेकेंड टर्म मतलब अब k का मल्टीप्लीकेशन, k को हर टर्म सेकेंड एक्सप्रेशन के से मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट डू वी गेट, k टाइम्स ऑफ a दैट विल कम आउट टू बी प्लस k x स्क्वायर माइनस 2k. इट्स माइनस, k के साथ का साइन जो है वो माइनस है, इट इज माइनस. So, इसको देखिए आप ध्यान से, एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और नथिंग दिख रहा है, नो एक्स दिख रहा है, ये सब के में दिख रहा है. तो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल क्योंकि इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 1. हाँ, इसका ऑर्डर आप चेंज करके इसको रीराइट कर सकते हैं, बट टू फॉर अ बेटर फॉर्म, क्योंकि हमने एक ऑर्डर में लिखी, पैटर्न में लिखा है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स का इंडेक्स लिखा है 0, 1, 2, तो वो चीज यहाँ नहीं दिख रहा, उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. बट यहाँ सारे इंडेक्स जो एक्स के इंडेक्स में जो नंबर्स है वो सारा होल नंबर्स है, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल. अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज t माइनस 2 और ये t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t. अब ये देखिए 2 अपॉन t,
दैट मीन्स अभी हमने इससे पता चल गया है कि अगर हमने कोई एक्सप्रेशन को इस तरह से मल्टीप्लाई किया, दो इस तरह के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, उसका रिजल्टेंट हमें पॉलिनोमियल ही मिल रहा है क्योंकि इंडिविजुअली ईच आर पॉलिनोमियल, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप, ये एक पॉलिनोमियल है टी माइनस टू, ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री वन है, टी नहीं है यहाँ पर टी। अच्छा नाउ हियर देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा था, यहाँ आप मैं टी लिख रही हूँ, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। यहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरा ये एक्सप्रेशन जो है वो टी में होगा, इसलिए मैंने इसको पी टी लिखा, दैट इज अ पॉलिनोमियल इन टी। तो जो हमने एक्स को यूज किया था डेफिनेशन में, वो सेम चीज ट्रांसलेट होता है टी में, तो यहाँ एक्स और टी में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ टी में है ये एक्सप्रेशन, तो हमें वही फॉर्मेट जो हमने ऊपर देखा है उसको हम टी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। दैट इज टी का जो भी इंडाइसेस होगा वो सब होल नंबर्स होना चाहिए। आप इसको देखो ध्यान से, इसमें टी का इंडेक्स क्या हुआ, इसको अगर ध्यान से लिखेंगे बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज टी टू द इंडेक्स -1, तो ये टी टू द इंडेक्स -1 नहीं होना चाहिए इंडेक्स, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, फाइन। वैसे ही यहाँ पे क्यू एक्स, दिस इज अगेन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू में लिखा है बट एक्स इज द वेरिएबल, तो एक्स के अलावा जो भी आपको दिख रहा है सारे कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर आपने इसको रीराइट किया है, रीराइट करने में क्या दिखेगा आपको, ए प्लस थ्री, यहाँ कोई एक्स नहीं है तो इसको एक के साथ लिख सकते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन के। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही जगह पे एक्स दिख रहा है एंड दैट टू विथ इंडेक्स टू, दिस इज अ होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलीनोमियल। सेम वे हियर, वन अपॉन एक्स इज एक्स टू द इंडेक्स -1, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉलीनोमियल। सो आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा कि ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल मीन्स एनी एक्सप्रेशन, फाइनली यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लीकेशन दिया है, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लीकेशन दिया है, इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से आपको फाइनल रिजल्ट जो आप मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर, वो एक इस स्ट्रक्चर में एक्सप्रेशन होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये फॉर्म में है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, जहाँ n जो इंडेक्स ऑफ x जो है पूरा होल नंबर्स होना चाहिए, देन दिस n इज नोन एज, ये n जो है जो हमने n लिखा है, व्हाट इज n, n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है वो देखना है, और कितने टर्म्स होते हैं फाइनली पॉलिनोमियल वो देखना और है। मैम इससे पहले कि सत्र में आगे बढ़े, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब हाँ भी जी स्टूडेंट्स दो एक्सप्रेशंस को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक्स प्लस थ्री इन द ब्रैकेट एंड इट विल बी सॉल्व बाय एक्स प्लस थ्री इन अनदर ब्रैकेट, तो पहले हाँ जी एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री करें या फिर थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री करें, तो ऐसे में किस तरह से बच्चे जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसको समझ सकते हैं और अपनी कॉपी पर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मार्किंग्स और कटिंग्स होती हैं तो बच्चों को इसमें मार्क्स भी रिड्यूस होते हैं। हाँ तो वही मैं एक्चुअली बता रही हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है आप लोगों को, मैंने शुरू से बच्चों आप लोगों को एक चीज मैंने कहा है कि यू नीड टू रीड द एक्सप्रेशन करेक्टली। रीडिंग मतलब इस एक्सप्रेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है उसके हिसाब से आप रीड करेंगे। जैसे ये लिखा जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये एक जी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दिख रहा है और दूसरा एक ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, व्हेन देयर इज नो साइन बिटवीन द टू, इट इज अंडरस्टूड कि वो दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन है। तो दैट मीन्स हमें हर टर्म मल्टीप्लीकेशन, दैट इज दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे उसके एक एक टर्म्स को यूज करके दूसरे एक्सप्रेशन के हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे डिवाइस करना पड़ेगा। पैटर्न ये है कि आप यहाँ पे दिख रहे, देखिए जैसे फर्स्ट टर्म है एक्स को सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट कौन सा क्वांटिटी है, ए एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज दैट यू गेट वो लिख लो आप, ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, इसके साथ ए मल्टीप्लाई हुआ। अब नेक्स्ट एक्स का दूसरा एक और टर्म से मल्टीप्लाई करना है अपने को, टू से मल्टीप्लाई करना है, टू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स, दैट इज टू एक्स, ठीक है। अब अपने को दूसरे टर्म का, दैट इज एक्स हो गया, अब दूसरा टर्म क्या बचा अपना, माइनस के, ऐसे माइनस के को आप ईच टर्म से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म जो दूसरे फैक्टर्स क्या है उससे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन माइनस के एक्स स्क्वायर आया, तो के कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर,
फिर माइनस के को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 के। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन देखना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन देखना चाहते हैं, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करके हमारा पर्पस क्या है कि हम एक्सप्रेशन को एक्स के इंडेक्स, दैट इज एक्स का जो भी एक्सप्रेशन है, जो डिग्री है, इंडेक्स में जो नंबर्स है, उस नंबर्स को हमें एक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। जीरो से हाईएस्ट लेकर जाएंगे या हाईएस्ट से जीरो तक लेकर जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इसमें एक्स किस एक्स टर्म में है, कौन से ब्रैकेट में एक्स है, जो टर्म ब्रैकेट में एक्स है उसका स्प्लिटिंग करेंगे। जैसे एक्स इसमें है, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन के है, यहाँ कोई एक्स नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए आप इसको, तो इसको आपको स्प्लिट नहीं करना है, इसको एज सच ही फॉरवर्ड ले कर जाना है। इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आप अननेसेसरी एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनाएंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स ये ए प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर हुआ, उसके बाद प्लस ए प्लस थ्री को टू अपॉन के से मल्टीप्लाई किया टू अपॉन के। तो दिस इज हाउ वी हैव टू टेक अप द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो कोएफिशिएंट की बात जो कर रही थी मैं, वो कोएफिशिएंट की बात को आप देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज अटैच्ड है, वो उसका कोएफिशिएंट है। व्हाट इज इट, ए प्लस थ्री, ये पूरा एक अननोन वैल्यू है, बट वो फिक्स्ड वैल्यू है, हमें मालूम नहीं है या उसका एक्सप्रेशन में क्या उसका वैल्यू है वो नहीं मालूम, तो मैंने ए लिखा है, बट ये वेरी नहीं करेगा, इसीलिए ये दोनों ऐड होकर एक ही नंबर मिलेगा। आप इसको मान लो अगर 2 है तो 2 प्लस 3 5 ही होगा, 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये एक फिक्स्ड नंबर है। तो वो फिक्स्ड नंबर को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, उसको ब्रेक नहीं करते। अब इसमें आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स पूछूंगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, यहां मुझे तो कोई एक्स का टर्म दिख नहीं रहा है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय x, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसके आगे प्लस, प्लस मैंने किसको ऐड किया है, ये टर्म को मैंने ऐड कर दिया, किस टर्म को ऐड किया है, 0 मल्टीप्लाइड बाय x, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो मैंने वैल्यू तो चेंज नहीं किया इस एक्सप्रेशन का, बट टर्म को ऐड कर दिया, टर्म ऐड कर दिया मतलब मैंने प्लस साइड करके डाल दिया, ये प्लस करके कुछ और लिखा है साथ में, तो एक नंबर ऑफ टर्म बढ़ गया है, वो उस टर्म का वैल्यू 0 है, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, 0। 0 होने के कारण उसका वैल्यू 0 है, वो खत्म हो जाता है, लिखते नहीं है, इसलिए हमें एक्स टर्म दिख नहीं रहा। गेटिंग इट, इज इट क्लियर? यस मैम, इट्स क्वाइट क्लियर टू आवर व्यूअर्स आई बिलीव। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, अब इसमें थोड़ा सा देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन, सेकंड वाला एक्सप्रेशन में ये कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें इस वाले इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, एक्स क्यूब को छोड़ के व्हाटएवर इज लेफ्ट, क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, ए। आ रहा है सिमरन समझ में? बिल्कुल मैम, और मैम मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ आ रहा होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस सत्र में केवल 5 मिनट का समय शेष है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ है आपका, यहाँ है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा क्वांटिटी, तो क्या हुआ वो, माइनस के टाइम्स ए, गॉट इट। अब इसमें ये माइनस टू के क्या है, इसमें कोई एक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, दैट इज फ्री ऑफ एक्स, दैट इज एक्स टू द इंडेक्स 0। ठीक है, अब उसके बेसिस में लेट अस नाउ नेम द एक्सप्रेशंस, लाइक ये एक्सप्रेशन है, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसमें एक्सप्रेशन क्या है, 3 प्लस 2x, तो आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, प्लस माइनस साइन के बीच में जो एक्सप्रेशन है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने टर्म्स को कनेक्ट करते हैं, कितने साइन दिख रहे हैं, प्लस और माइनस, कितना दिख रहा है आपको, एक ही प्लस दिख रहा है, तो दिस इज 3 प्लस 2x, सो दैट मीन्स इट इज अ बाइनोमियल, देर आर टू टर्म्स, और इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, 2, और इस नंबर ऑफ टर्म, 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं binomial, naming on the basis of terms. अब degree क्या है इसका, degree highest degree index क्या है, 1,
degree is 1. So any polynomial which has degree 1 is known as linear. That's a name on the basis of degree. This is a name on the basis of term. अब यहाँ पे आपको मैंने अभी कहा कि प्लस और माइनस आप काउंट करें. यहाँ जो माइनस है वो है नंबर का मैग्निट्यूड. इट्स माइनस टू एक्स. अदरवाइज ये एक्सप्रेशन किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है. इट इज माइनस टू मल्टीप्लाइड टू एक्स. तो ये एक नंबर है माइनस टू. इट्स नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स जैसे हम दिख रहे 3 और 2x के बीच में प्लस है. ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट माइनस टू द नंबर. तो यहाँ एक ही टर्म दिख रहा है. तो ए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है अपने पास, इसमें एक है. एंड दैट इज नोन एज मोनोमियल. इसको बोलते हैं एक टर्म मोनो. अब आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल मोनोमियल बाइनोम. बाई मीन्स दो, मोनो मीन्स एक, और डिग्री क्या है इसका, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है. तो ये भी लीनियर हुआ. मैम आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं. बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम आई विल हैव टू रिक्वेस्ट यू टू कंक्लूड योर वर्ड्स. लेट अस मेक दिस द लास्ट असाइनमेंट फॉर द प्रोग्राम. ओके ओके आई जस्ट राइट अप. ठीक है. नाउ दिस इज क्यू. एज आई सेड हमने पी यूज कर सकते हैं या तो क्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं. बट इट हैज टू बी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली व्हाट इज द वेरिएबल. तो इसका वेरिएबल क्या है, क्यू. अब क्यू का इंडेक्स क्या दिख रहा है आपको, हाईएस्ट इंडेक्स ये 2 है, ये 1 है, नो क्यू मतलब 0 है, तो ये कांस्टेंट हो गया. तो द डिग्री इज 2. सो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक. एनी डिग्री दैट इज इट्स क्वाड्रेटिक. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. और यहाँ पे टर्म्स कितने दिख रहे हैं अपने को, टर्म्स 3 दिख रहे हैं. तो दैट इज ट्राइनोमियल. इन टर्म Sure, ma'am. I believe the rest of the questions can be answered by our viewers, and let's keep it as it is. Thank you so much, ma'am, for being a part of this conversation and sharing important details with our viewers with respect to today's mathematics topic, that was polynomials part 1. Thanks a lot. और हम अपने सब दर्शकों का भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दर्शकों इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए. As you all know that for the academic year 2023-2024, NCERT textbooks are available all across the country. You may purchase NCERT textbooks from different sales counters that are currently located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. Also, if you would like to place an order online for NCERT textbooks, then it can be done through the website link that is flashing on your screens. It is www.nceertbooks.nceert.gov.in. And besides this, if you would like to read the textbooks on your own, that is download them in the soft copy or the PDF version, then it can be done through the different mediums, and one of them is Diksha platform. Another would be e-Parshala website and also the mobile application of NCERT. To explore more about authorized vendors or to get more information regarding the availability of NCERT textbooks, feel free to explore the website of NCERT. That is www.ncert.nic.in. और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे एक और सत्र लेकर, और यह सत्र रहेगा सोशल साइंस का कक्षा नवी के सभी विद्यार्थियों के लिए. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर पार्ट 1. सो कीप वॉचिंग ए विद्या चैनल्स एंड स्टे ट्यून्ड विद एनसीईआरटी ऑफिशियल. नमस्कार.